वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करने वाले हैं स्टॉक इन द न्यूज़ में अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक के। जैसे कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ये ओपन हुआ था 1710 रुपीस पे और इसने हाई बनाया 1718.25 का और इसने लो बनाया 1682 और जहाँ तक ये क्लोज हुआ है 1685 पे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो ओपन हुआ था यहाँ पर इससे एक सप्लाई जोन है, जिस सप्लाई जोन में प्राइस यहाँ से लगातार नीचे गिरती हुई यहाँ तक आई 1692 तक और यहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी बनाने के बाद एक डोजी बनाते हुए यहाँ एक रिवर्स हैमर बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ से नीचे की ओर और एक लो बनाते हुए 1682 का एक नया लो यहाँ पर बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस स्टॉक में। अब हम चलते हैं इससे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया हुआ ये डेली ट्रेंड था, जो कि इस कैंडल के साथ ही डेली ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। अब ये स्टॉक का डेली ट्रेंड इस लैब पॉइंट ऑफ पे आने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो प्रीवियस डे का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है ये एक कंफर्मेशन हम मान सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से नीचे की ओर आएगा। अब चलते हैं हम 30 मिनट्स की चार्ट पे और वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक अभी भी यहाँ पे कोई ऐसा फ्रेश डिमांड जोन बनते हुए हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से पूरी प्रोबेबिलिटी 80-90% की ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा और 1600 इसका जो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा गिरने का वो 1658 का रहेगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो आज के दिन ये 1658 तक आ सकता है। Thanks for the watching this video.